नमस्कार, स्वागत है साथियों आपका आज की इस बड़ी खबर में। ब्रेकिंग न्यूज है, निदेशक नियुक्तिकरण को लेकर बातचीत की गई है हमारे चैनल के माध्यम से। जो निदेशक हित की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। 7000 में होए ना गुजारा, यूपी निदेशक बेचारा, परमानेंट कर दे दो ना सहारा। अब सहारे की आस लिए हुए वोट की चोट करने के लिए तैयार है। हमारे चैनल के माध्यम से बात की गई निदेशकों से शुरू करते हैं आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं विनोद यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष निदेशक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज जो महापर्व सरस्वती माँ के लिए मैं नमन करता हूँ हुआ, और पूरे निदेशक साथियों को पूरे शिक्षा विभाग के लिए आज मैं शुभकामनाएं बसंत पंचमी की देता हूं। और ये मुद्दे की बात की जाए, हम लोगों की नियुक्ति 13 जुलाई 2013 को हुई थी। उस दिन से लेकर निदेशक साथी संघर्ष करते रहे। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को 1470 रुपये की वृद्धि की थी, उससे हम लेते आ रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार का परिवर्तन हुआ, उत्तर प्रदेश वर्तमान की सरकार ने हमारा 1470 रुपये माइनस कर दिया, उसकी भी रिकवरी करा ली। उसके उपरांत हम लोगों ने समय समय पर सरकार के से अपनी पीड़ा को रोया, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और सरकार के सामने रखा, परंतु सरकार ने मेरे प्रति, हमारे अन्वेषक साथियों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, क्योंकि वर्तमान में 7000 रुपये से अपनी परिवार की जीविका नहीं चल सकती है। कुछ अन्वेषक साथी अपने घर से काफ़ी दूर हैं, उनका अगर डीजल और पेट्रोल का भी लगाया जाए वो भी नहीं। अगर हम लोगों को एक्सीडेंट हो जाए, हम लोगों को अतिरिक्त अवकाश की भी व्यवस्था नहीं, तो हम लोगों को पीड़ा ही इधर पीड़ा रही। बीच में अभी सूचना से एक महीने पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 2000 रुपये की वृद्धि की, उन्होंने बात की, हम लोगों की बड़ा कहीं ना कहीं खुशी हुई, चलो कुछ मिल रहा है, क्यों हमको मात्र 530 रुपये की वृद्धि समझ रहे थे हमने, चलो अब कोई बात नहीं 9000 आएंगे। परसों जब परियोजना से लेटर आया, जिस समय लेटर आया उस समय वो इस सरकार ने हम लोगों के साथ वो अन्याय किया है। मैं सरकार को केवल चेतावनी नहीं बल्कि हर चीज़ से उनको अवगत कराना चाहता हूँ। जिस देश में, जिस प्रदेश में, जहाँ भी आज नहीं गणानंद से लेके आज तक के इतिहास उठा के देख लो, जिस सरकार में शिक्षकों का सम्मान नहीं हुआ है वो सरकार दोबारा कभी आई नहीं और ना आएगी। इसके साथ और भी है, हम अनुदेशक साथी के साथ हमारे रसोईया उन लोगों के, उन महिलाओं के साथ भी अन्याय हुआ, हमारे आंगनबाड़ियों के साथ भी अन्याय हुआ, उसके साथ सबसे ज्यादा बेहतरीन शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ। ये सरकार शिक्षक विरोधी सरकार है। इस सरकार के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आने वाले 14 तारीख से लेकर जो भी चुनाव को मुद्दा हो, अनुदेशक साथी ने प्रतिज्ञा कर लिया है, संकल्प कर लिया है, जिस सरकार में अनुदेशक या बेहतरीन शिक्षक या आंगनबाड़ी या किसी भी संविदा कर्मचारी सम्मान नहीं होगा, तो हम लोग भी उसके खिलाफ जाने के लिए हम लोग बाध्य नहीं, क्योंकि हम भारतीय संविधान के अनुयायी हैं। भारतीय संविधान की मर्यादा पूर्वक हम सरकार का कहीं ना कहीं संकल्प के साथ है, जो मेरा सम्मान करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। इन्हीं आगे बढ़ा संविदा कर्मी प्रदेश में बहुत ज्यादा तादाद में, जी जी, आपको क्या लगता है कितने नंबर देना चाहेंगे इस सरकार के लिए? इस सरकार को मैं कह सकता हूँ, कभी मुझे भी कभी कहने में कोई संकोच नहीं, 00 नंबर देने की बात ही नहीं, 00। राष्ट्र निर्माता कहा जाता है आप लोगों जी, और आप सर्वांगीण विकास के लिए लगाया गया है शिक्षा विभाग में, कुछ प्राथमिक स्कूलों में, जिसमें अनुदेशक जो है कंप्यूटर शिक्षा के हैं, कला शिक्षा है, शिल्प शिक्षा है, तो इसका मतलब है ये तो बहुत ही एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है शिक्षा विभाग के लिए। ऐसा क्या है, ऐसा क्या कमी है, ऐसी क्या बात है कि आप लोगों का मानदेय वृद्धि नियमितीकरण सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? ऐसी क्या सरकार की एक सोची समझी साजिश है? क्योंकि इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में टेट तो लागू है, सुपर टेट कहीं नहीं लागू है, वो शिक्षा मित्रों के साथ वो कर चुके हैं। वो बात अगर हाई सुप्रीम कोर्ट को शिक्षा मित्र की बात मान सकते हैं, तो अनुदेशकों भी स्वतः संज्ञान 17000 का दिया गया, फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है और उसे जनता से कोई मतलब नहीं, केवल वो धर्म की राजनीति, धर्म से किसी का उद्धार ना हुआ ना होगा, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धरातल पे लोगों की भुखमरी के कगार पे। अनुदेशक साथी ने कम से कम हमारे 600-700 पूरे उत्तर प्रदेश में संघर्ष करते करते अपनी परेशानी को झेलते, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी अपने घर से इस पैसे चले गए, सड़क दुर्घटना में चले गए हैं, इसको इस सरकार किसी भी संविदा कर्मचारी के खुशहाल जीवन देखना नहीं पसंद करती है। आपकी मानदेय की रिकवरी की गई थी, क्या उसके बारे में कुछ बताएं कैसे? मेरी रिकवरी की गई थी, हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया है कि रिकवरी, हमने दो चीज़ें देखी हैं। पहली बार शिक्षा विभाग में किसी को पैसा देने के बाद वापस करने की, पहली बार, इससे बड़ा अनुदेशकों के लिए काला दिन काला दिवस कभी आ ही नहीं सकता। और कुछ क्या 10 तारीख को क्या फैसला आ रहा है? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, जो अनुदेशकों के हित के बारे में सोचेगा वो निश्चित 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठेगा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं राम नारायण सक्सेना, अनुदेशक
शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा उच्च प्राथमिक विक्रमपुर कलान ब्लॉक जनपद शाहजहाँपुर से हूँ। आज माँ सरस्वती के पावन पर्व पर मैं अपने सभी शिक्षक भाइयों को एवं क्षेत्रवासियों को इस महापर्व की हार्दिक बधाई देना देता हूँ। अपनी बात को रखें, क्या समस्या है, क्या मांग है आप? हम लोगों की नियुक्ति जो 2013 में हुई थी भारत सरकार के तत्वावधान में, उसमें खेल स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं कंप्यूटर शिक्षा गृह शिक्षा की नियुक्ति हम लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा की गई थी। 13 जुलाई 2013 को हम लोगों को 7,000 रुपये मानदेय की प्रति महीने की दर से नियुक्ति दी गई थी। हम लोगों ने उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूलों में जाकर के जो खेलों का बहुत स्तर पिछड़ा हुआ था, उन जाकर के हम लोगों ने सुधार किया, और सुधार करने के पश्चात हमारे विद्यालय से बच्चे निकलकर जिला स्तर मंडल स्तर एवं राज्य स्तर पर भी जाकर के बच्चों ने प्रतिभाग किया। हम लोग जहाँ पर थे वहीं पर होकर के रह गए, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज हमसे बहुत आगे निकल गए। इसका कारण यह है, जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होता है वो देश कभी भी तरक्की के मार्ग पर खुशहाल नहीं हो सकता है। अंततः आप लोग क्या मांग, अगर नई सरकार आती है तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? हम आपको शुरू से बताते हैं कि जब 7,000 रुपये में मानदेय हुई थी नियुक्ति हुई थी, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 1470 रुपये की वृद्धि करते हुए 8,470 रुपये हम लोगों को देना शुरू किया था। उसके बाद मार्च 2017 में PAB की जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों का मानदेय 17,000 पास हुआ था, और केंद्र सरकार के द्वारा जो मिनट्स जारी किए गए थे उसमें स्पष्ट दिया गया था कि अनुदेशकों को 17,000 रुपये मिलेंगे। इस उम्मीद पर हम लोग कार्य करते रहे। बाद में जब हमारा मानदेय का जो परियोजना से लेटर आता है उसमें केवल 7,000 रुपये ही दिखाए गए, 84-1700 मिल रहे थे उसमें भी हमसे 6 महीने की रिकवरी कर ली गई। तो जिस तरीके से हमें मानदेय दिया गया और हमारी रिकवरी कर ली गई, क्या इससे ये प्रतीत होता है कि ये सरकार शिक्षकों के तानाशाही के ऊपर तुली हुई है? हम लोगों को मतलब काम पूरा कराया जा रहा है। हम लोग कहने को तो अंशकालिक हैं, लेकिन हम लोग पूर्णकालिक समय में रह करके बच्चों के साथ पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। हम सभी अपने अनुदेशक साथियों से यह आग्रह करना चाहते हैं, जो सरकार हमारा हित करेगी, जो सरकार हमें सम्मान देगी, आगे आने वाली 10 मार्च को वही सरकार इस प्रदेश की गद्दी पर बैठेगी। जय हिंद, जय अनुदेशक। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक नया गाँव गुड़िया, मैं ये चाहता हूँ सरकार हम लोगों का नियमितीकरण करे, इसी में हम लोगों की भलाई है। नियमितीकरण से और किसी बात पे हमको समझौता नहीं, क्योंकि मुझे आज 8 वर्ष हो गए हैं, इतनी कम पूंजी में हमारे बच्चों का पालन पोषण असंभव है। हमारे बच्चे कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कि बच्चों को कैसे वहाँ की फीस भरी जाए, कैसे अपना पालन पोषण किया जाए, बच्चों कैसे किया जाए। मैं ये कहते गवर्नमेंट से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें नियमित किया जाए। क्यों, मैं समस्त अनुदेशक साथी डिग्री धारक हैं, और मतलब एक जो शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए वो शिक्षक की योग्यता मैं क्वालिफाई करता हूँ, उसके तहत हम लोगों का चयन हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट नियमित करे, बगैर नियमित किए इस कोई समझौता नहीं हमारा। आपने प्रयास किया सरकार से? सरकार से नियमित 8 वर्ष हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन हुए, पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारा 1470 बढ़ाया भी था, वो इस सरकार ने रिकवरी कर ली। आज तक कोई भी सरकार इतनी हुई है गवर्नमेंट, मतलब इतिहास है, मैंने आज तक अपने इतने जीवन में 35 साल उम्र होने जा रही, मैंने ये नहीं सुना कि किसी गवर्नमेंट में 100 रुपया बढ़ाया और वो रिकवरी कर लेगी। मतलब अगर बढ़ाने की हमें क्षमता नहीं तो हमें रिकवरी करने की भी नहीं हमारा दायित्व बनता है। तो ये हम लोगों का बहुत ही शोषण हुआ है, ये शोषण अब हमको बर्दाश्त नहीं होगा। ये शोषण मैं आम अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जो भी हम लोगों को होगा वो हम करेंगे। 2,000 रुपये अनुदेशक संवाद में बात हुई थी। जी, घोषणा हुई थी, क्या वो आपको मिलने लगा? नहीं, अभी नहीं मिले हैं, और उसकी भी हम लोगों को अभी घोषणा हुई, लेकिन कोई उसका जियो आज तक कोई कुछ अभी तक नहीं आया। मैं सरकार से गुजारिश चाहूँगा कि जब भी जो भी सरकार आए हम लोगों का नियमितीकरण करें।
ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अग्निहोत्री, अनुदेशक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलालाबाद बालक में इस समय वर्तमान में कार्यरत हूँ। हमारी जो मांगे, हमारी जो समस्याएं, विगत 8 वर्षों से हम कार्यरत हैं इस बेसिक शिक्षा विभाग में के पद पर, अनुदेशक पद पर कार्यरत हूँ। इतनी सरकारें आई गई, हमारा जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। हमारी नियुक्ति RTI के तहत हुई, ना कि किसी के रहमो करम पर हुई है। हम सिर्फ कुछ नहीं मांगना चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये मांगा, हमारी जो नियमितीकरण है वो होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, हमारा नियमितीकरण होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं हम। ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। जो भी सरकार आए, हम ये नहीं कहते कौन सी सरकार आएगी क्या होगा, लेकिन जो भी सरकार आए वो हमारा नियमितीकरण करे, क्योंकि हमारा जो भी संवैधानिक पद है उससे हमारा नियमितीकरण किया जाए, यही हमारी सरकारों से मांग है। और हमारा जो पद है, हमारी जो नियुक्ति हुई है वो राजपत्रित RTI के तहत हुई, ना कि हम किसी के उसमें आए हुए हैं। हमारा पद एक गरिमामय है और मैं अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण लगन, मन और श्रद्धा के साथ करता हूँ। ये तो आपने देखा होगा विगत 8 वर्षों में हमने कितना बेसिक शिक्षा विभाग, उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुधार किया है। ये सभी के सामने है, वो किसी से अभी छुपा नहीं हुआ है। कितनी अव्यवस्थाएँ थी, बच्चे नहीं आते थे स्कूल में, उनको लाने का कार्य है, बच्चों को एक बेसिक नॉलेज देना हम लोगों की प्राथमिकता है। जहाँ तक है सरकार की बात, हम इस सरकार से को बदलना चाह रहे हैं। सरकार कोई भी आए, हमारा नियमितीकरण होना चाहिए, यही हमारी मांग है और अपील है कि हमारा जो पद है उसको नियमितीकरण किया जाए। बस यही हमारी गुजारिश है सरकार से। धन्यवाद साथियों। बहुत, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष द्विवेदी, अनुदेशक सारी शिक्षा, विकासखंड जलालाबाद शाहजहाँपुर से। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है नियमितीकरण। 2013 से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो भी सरकारें आई उन्होंने, किसी ने भी हमारा कुछ भी नहीं, मतलब कोई सहायता नहीं की। और ये मौजूदा सरकार ने तो घोषणा करके उसके बाद भी हमारे 17,000 रुपये मानदेय किया था और वो भी ना दिया, और उसके बाद हमारे मानदेय 1470 से 1470 रुपये कटौती कर ली, फिर से 7,000 रुपये ला दिया। 2,000 रुपये की कुछ बढ़ोतरी संवाद अनुदेशक, वो केवल चुनावी जुगला था। हाँ, चुनाव के चक्कर में उन्होंने 2,000 रुपये की घोषणा की और मात्र घोषणा ही रह गई। फरवरी का मानदेय आया क्या, बढ़ के आया 9,000? ना ना ना, कुछ भी बढ़ के नहीं आया, ना आई सरकार में, हमारा कुछ नहीं होगा। अब सरकार में बदलाव हम करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे सरकार के बदलाव के लिए। तो आप नियमितीकरण का मुद्दा है? जी जी, तक हल नहीं हुआ, कितनी सरकारें आई, कोई हल, कोई हल नहीं हुआ अभी तक। अब आप किसको चुनना चाहेंगे? अब आगे हम सरकार परिवर्तन चाहेंगे। जी जी, आपका मुद्दा अनुदेशक नियमितीकरण है केवल। तो आप ये, कोई भी सरकार आए, कोई भी, बस क्या, बस क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारा नियमितीकरण किया जाए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। अच्छा, आपको 8 साल लगभग हो रहे हैं। जी जी जी, क्या जो अन्य लोग हैं आपके सहकर्मी, जी जी, या कह सकते हैं परमानेंट टीचर्स, जी जी, उनके बराबर कुछ सुविधाएँ आपको मिलती हूँ? कोई सुविधा नहीं मिलती है। और जो भी काम करते हैं हम समकक्ष ही काम करते हैं और नियमित टीचर से और अच्छा ही काम करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। सारे अनुदेशक, जब से अनुदेशक आए हैं शिक्षा विभाग में, तब से शिक्षा विभाग, मतलब पहले की अपेक्षा और सुधार आया है शिक्षा विभाग में। अच्छा, आप अंशकालिक अनुदेशक हैं और पूर्णकालिक काम दिया जाता है। जी जी जी, आप क्या कहना है? जी, हम लोगों की नियुक्ति अंशकालिक के रूप में हुई थी, लेकिन हम कहीं भी अंशकालिक नहीं, हमसे पूरा पूर्णकालिक काम दिया जाता है। और सरकारी जितने भी काम है, BLO ड्यूटी है, पोलियो ड्यूटी है, जितनी भी ड्यूटियाँ दी जाती हैं, बाल गणना है, जितने भी काम है नियोजित शिक्षक के, वो हमसे सारे काम दिए जाते हैं। तो आप समान कार्य, समान वेतन? जी जी जी, नियमितीकरण चाहिए सर, बस एक ही मुद्दा है हमारा, नियमितीकरण। जी नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं अनुदेशक हूँ UPS चौकिया जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर में। और जो है हमारा मेन मुद्दा है कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए, सरकार हम लोगों का नियमितीकरण करें। हम लोग जो हैं 8 सालें हो गई हैं, हम लोगों को अभी तक 7,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जो कि एक मजदूर की मजदूरी से भी कम है। अन्य राज्यों की अपेक्षा वहाँ जो है मजदूरों का जो मजदूरी है वो हम लोगों से कहीं अधिक है, लेकिन हम लोगों को मात्र प्रतिदिन 233 रुपये दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। और ये सरकार का निंदनीय कदम भी है कि वो हम लोगों को नियमितीकरण नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है।
जबकि अन्य प्रदेशों में ये सब हो चुका है, नियमितीकरण कर दिया गया है। 8 सालें बहुत ज़्यादा होती हैं, हम लोगों को अब ये इतने रुपए में, इतनी महंगाई में हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि मतलब कोई भी सरकार आए, कुछ भी हो, तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियमित करे। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विकास सिंह अन्वेषक उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर अफगानान जलालाबाद से हूँ। साथियों, मैं पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ने हमारे जो कर्तव्यों को भली भांति नहीं स्वीकारा और ना ही कुछ भी बढ़ोतरी की। ठीक है, मैं सरकार को बदलना चाहता हूँ और इस सरकार से या किसी भी सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि मैं सर इस पद पे रहकर भी निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूँ, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि हमारी समस्याओं को समझे और उसे भली भांति लागू करे। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार जो है हमारे कार्यों को देखते हुए हमें संतोषजनक, सम्मानजनक नियमितीकरण प्रदान करे, या फिर उस सैलरी को प्रदान करे जिसमें हम लोगों का गुजारा हो सके। और सरकार आप बदलना चाहेंगे तो क्यों बदलना चाहेंगे? सरकार की कुछ कमियां हैं, इसीलिए मैं सरकार को बदलना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से सरकार ने हमारे प्रति नहीं कुछ भी सोचा, इसीलिए मैं सरकार में बदलाव चाहता हूँ। आपने अपील की सरकार से? बहुत अपील की है, यहाँ से जाके लखनऊ तक बहुत धरना प्रदर्शन वगैरह भी किए हैं, लेकिन सरकार ने हम लोगों की बात नहीं सुनी और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। जो सब संवाद हुआ था, 2000 रुपये मानदेय बढ़ा था, फिर आप कह रहे हैं कि 7000 रुपये मिल रहा है, क्या 9000 रुपये तो मिलने लगा आपको? नहीं, 9000 रुपये नहीं मिलने लगा है, उन्होंने केवल कह दिया है। मौखिक कहने से कुछ नहीं होता है जब तक जियो जारी नहीं होता है। अच्छा, जब सर आपको 7000 ही मिल रहा है? अभी हमें 7000 पे ही कार्य करना पड़ रहा है और 9000 रुपये नहीं मिल रहा है। खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। तो आप नाराज़ हैं या खुश हैं सरकार से? हम सरकार से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हैं। अब आप किसके साथ जाना चाहेंगे? सरकार कोई भी हो, मैं सरकार को बदलना चाहता हूँ। इसलिए? क्योंकि हम भाइयों और बहनों का ऐसे गुजारा नहीं हो पाएगा इतनी अल्प तनख्वाह में, इसीलिए सरकार को बदलना चाहेंगे। ललित मोहन मिश्रा, उच्च प्राथमिक विद्यालय ये खजूरी जो है, बताएं सर आप क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं, हम लोगों का पूर्ण जो है नियमितीकरण होना चाहिए। अच्छा जी, तो सरकार पुरानी रहे या नई आए, जो भी सर, जो क्या संदेश दे रहे हैं वोट की? देखिए, पुरानी सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। पुरानी सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और जो भी सरकार अखिलेश, जो भी मतलब नई सरकार जो भी आने वाली है, उन लोगों ने, उस सरकार ने हमारे लिए ये वायदा किया है कि हम लोगों को जो है वो जो है नियमित जो है ये करेगी। अच्छा, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? जी जी जी। तो पूरे प्रदेश के जो अन्वेषक हैं, आप क्या देना चाहेंगे संदेश? अन्वेषकों को हमारा मतलब यही संदेश है कि हम लोग जो है आने वाले जो है 14 तारीख को उसी पे ये बटन दबाएं, जो हम अनुदोषकों जो है के लिए सही रूप से जो है सरकार जो है सही ये काम करे। नमस्कार, मैं स्वर्ण सिंह अनुदेशक। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। आपने सरकार से प्रयास किया नियमितीकरण के लिए? बहुत प्रयास किया गया, किसी ने नहीं सुनी। ज्ञापन वगैरह दिए? ज्ञापन दिए, धरना प्रदर्शन हुए, कुछ कोई सुनने ही वाला नहीं। अब आप कौन सी सरकार लाना चाहेंगे अब ताकि आपका नियमितीकरण हो सके? परिवर्तन ही है। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। अभी योगी जी ने अन्वेषक रसोईया संवाद किया था, उसमें 2000 रुपये की बढ़ोतरी की थी आप लोगों की, 7000 से बढ़ा के 2000 रुपये बढ़ा के यानी 9000 किया था। क्या वो 9000 रुपये आपका आ गया? नहीं, अभी तो जनवरी की जो ग्रांट आई है उसमें नहीं आया, पुराना ही आया है। कितना आया है? 7000 रुपये। अच्छा, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई? कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं कुल मिला के? परिवर्तन ही चाहते हैं।
परिवर्तन किस लिए आपका उसमें क्या अहित होना चाहिए या अहित हुआ है तो क्या हित होना चाहिए? अब नियमितीकरण ही चाहते हैं बस। धन्यवाद।